ये देखिए अंकल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। आ जाएंगे जी। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी जिंदा है मेरी जैसे। दो फैन, दो फैन, दो फैन। ओ, दो फैन एक साथ। हाय हाय हाय। हाय हेलो। हेलो। अबे भाई कितने फैन बन गए भाई हम लोग के यार। तो इसके साथ यहाँ मैच देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच में, कौन जीत सकता है? इंडिया ही जीतेगी। कैसे? बस बजरंग दल ने टोटका किया है। टोटका? अच्छा हाँ, तांत्रिक बाबा ने। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप भी कुछ बोलिए, शर्माइए मत। क्या बोले, लेट हो चुके हैं कोचिंग के लिए रोज की तरह। अरे क्या करेंगे, जल्दी जाकर, अभी सर आ ही रहे हैं हम रास्ते में, हम लोग पहुँचेंगे तो भी सर आएंगे। वैसे भी बंग मारने की सोच रहे थे, लेकिन मारेंगे नहीं क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं। नहीं, ईमानदार लोग नहीं है, 700 रुपये भरे हैं। 700 रुपया भरे हैं, हाँ ऐसी बात है। हाँ, वरना 700 रुपये पे ईमानदारी दिखा रहे हैं हम लोग भाई। वही अगर फ्री की कोचिंग होती तो रोज बंग मारते हैं, जैसे केमिस्ट्री की। हाँ, केमिस्ट्री की तो तुम्हारी फ्री की है ना, मेरी थोड़ी फ्री की है। हाँ, सबकी फ्री की नहीं रहती है। आज आप लोग को रास्ता दिखाएंगे हम लोग, आप लोग चेहरा देख ही लीजिए आज मेरा भी अच्छे से। हेलो एवरीबॉडी, इसका देखिए, इसी के देख लीजिए। हाँ, इसमें देख पाना तो आगे लड़ जाएंगे। हाँ हाँ, ये भी है, मैं दिखा रहा हूँ, आप गाड़ी चलाइए। कुछ स्मार्ट लड़के रास्ते में दिख गए थे। स्मार्ट लड़के? हाँ, अभी गए बाइक से और स्कूटी से, मुझे बहुत स्मार्ट लगी भाई। तो अब और कुछ बोल नहीं सकते हैं तो स्मार्ट ही बोलने। छपरी भी बोल सकते हैं। हाँ, सीधी भाषा में छपरी। अरे ये देखो चाय दे रहा भाई। अरे वाह, रास्ते में पैसे होते तो हम लोग भी चाय पीते हैं आज। पैसे तो होते हैं लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। देख रहे हो ये ट्रक किसका है? आज तो लड़ेंगे, आज लड़ेंगे। यस, बच गए, बच गए आज। आज जिंदगी अच्छी थी तो बच गए, नहीं तो पता नहीं कब फंस गया। कोई बुलाया क्या? मुझे भी लगा कि कोई बुला रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा, बजरंग दल तो नहीं है। बजरंग दल की तरह फिर गुस्सा होगा, कहेगा कि रुकते नहीं। नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है वो, कोई नहीं है। एक बार और देख ही लेता हूँ। और यहाँ पे नई दुकान खुली है। कहाँ गई? हो रही। आइए और यहाँ विजिट करिए और अपनी बैटरी वाली स्कूटी निकलवाइए। यहाँ भी आ सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। एड्रेस बता देंगे, रेलवे स्टेशन रोड। सबसे अच्छे राइडर हैं भाई, तो आगे जाके चपन जाएंगे। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा आज तो, नहीं हटूंगा आज। नहीं, किसी को लेने जाना है? अरे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है भाई, बता दो हम लोग। हाँ, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। दो महीने चैलेंज है एग्ज़ाम का हमारा। एक महीना भाई साहब, दो महीने कहाँ है एग्ज़ाम? अरे तो अगले महीने तक जाएगा ना एग्ज़ाम? अगले महीने तक जाएगा तो एक ही महीना है ना, तो भी मतलब। अच्छा, अगले महीने में तो वो सब होगा ना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जल्दी छोड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वैसे एग्ज़ाम के नाम पर लिखवाएं तो जल्दी ही छोड़ेंगे। ये देखिए, ये बैंक हमारा नहीं है, ऐसे मत देखिए, दूसरे का ही है। अरे कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का आपको टाइम टेबल हम लोग दिखा देंगे। हमारा एग्ज़ाम परसों से शुरू है। डायरी तो लाया ही नहीं हूँ, कहाँ से दिखाएंगे? मैं टाइम टेबल लिखा भी नहीं हूँ गाइस, मैं अपने दोस्त से फ़ोटो मंगा के आपको दिखा दूँगा। हाँ वो तो देख ही लेंगे, कोई ना कोई तो डायरी लाया ही होगा जो लिखा होगा। हम लोग तो बस मुझे इतना पता है कि परसों इंग्लिश। अरे ये देखिए, बिग फैन हमारे, तो हर दम मुझे लगता है बिग फैन, बिग फैन। और फैन जी कहाँ जा रहे हैं आप? हुआ क्या है? लग रहा है अंकल कोई को हुआ क्या? लग रहा है मेरे फैन को कोई मतलब धमकी देके मारने की चक्कर में है। लगता तो है हमारा फैन बच के भाग रहा है। अरे ऐसे मत देखो, प्यार जाएगा। तो और मौसम मुझे अच्छा लगने लगा है अब। हाँ, जोश में आ गए हैं अब।
अरे ज्यादा जोश अच्छा नहीं है भाई। अरे ओ क्या नाम है जो पोखरा नहीं है, आज मछली मारे हैं सब। कौन कौन? अरे वो बंटी के पापा। बंटी के पापा मछली मार रहे थे? किस चीज से? जाल से की काटिया से? अरे उससे, चारे से। अरे भाई कटिया और चारा एक ही होता है। हाँ वही वही। और मछली मारने वाले आए थे भाई, बहुत ज्यादा कम आए आज तो समझ जाओ। अच्छा मतलब ये देखिए, ये भी हमारे फैन है दोनों लोग। ये भी हमारा फैन ही है, चेहरा मत छुपाइए आप। जो देखो वही वाला पोखरा कह रहा था। हाँ देखिए इसी वाले। अरे बहुत ज्यादा मछली है उसमें भाई। हाँ छोड़े होंगे तो होगी, क्या हॉर्न बजा रहे हैं बार बार। ये देखिए इसी वाले पोखरे की बात कर रही थी। अच्छा ये भी मुझे लगता है यहीं से खरीद के बेचता है इसमें। हाँ अब पता चल गया, अब ये इसमें मछली बेचने वाला है इसमें। अरे वो देखिए आप लोग तो इनको पहचान ही रहे होंगे। हेलो हेलो। अरे वो डर गए बेचारे, साइड से इतना मत किया करिए क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही होती है। ये देखिए अंकल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। आ गए अभी। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी जिंदा है मेरी जैसे। ये अंकल ये ऐसे हंस रहे हैं। वो हंस रहे हैं क्योंकि वो हम लोग को जानते हैं, वो हम लोग की चैनल को सब्सक्राइब किए थे एक बार। एक तरह से। हाँ रुकिए अभी शायद उनका इंटरव्यू ले सकें हम लोग। अरे बाय अंकल। अरे भाई हंस रहा वो अंकल हमें देख। तो गाइस मुझे लगता है कोचिंग खुली नहीं है क्योंकि लोग इधर उधर घूम रहे हैं बस। हाँ तो हमें लग रहा है कि हमें घूमना ही पड़ेगा लेकिन। हाँ ये देखिए अपनी दुकान खुली तो है पर अच्छा दुकान खुली है लेकिन वो देखिए दुकान सामान देने वाले नहीं आए हैं, आगे से आ ही जाते हैं आज तो। वो हमारा एक फैन अंदर घुस रहा है। वो पागल। अरे वो पागल नहीं है, दिमाग वाला पागल। ये देखिए माइसमती साम्राज्य, यहाँ ऊपर बस आग लगाना है और ये कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही हम लोग आपको इसके अंदर का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए हमारा आलीशान है। ये देखिए दो फैन, दो फैन, दो फैन। ओ दो फैन एक साथ। हाय 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 हेलो। अरे ये छोटे छोटे बच्चे हमें मिडल फिंगर दिखा रहे हैं। ये कोचिंग जानी पड़ेगी, लोग इतना घूम रहे हैं। वो देखिए वो फैंस हमारे उंगली दिखाएंगे अभी। ये बाबू मेरी तो अबे भाई कितने फैन बन गए भाई हम लोग के यार। रास्ते में चलते हुए फैंस बन जा रहे हैं। आइए शायद ठेले वाले भी बन ही जाए। हाँ ये तो दादागिरी ही निकालेंगे। जाने दो, नहीं तो गुस्सा करने लगेंगे, कहेंगे मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सब मजे ले रहे हैं मेरे। हेलो फैंस हाउ आर यू। तो जाता हूँ आप गाड़ी पार्क कर लीजिए। हाय एक बार और आप ब्लॉग में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा। मैं सोच रहा हूँ आपका आज भी बर्थडे ही हो। नहीं तो आज आप भी आज फिर से लीला ले चलिए हम लोग को दूर रहिए ताकि चेहरा आए आपको। अरे वो भी। अरे ये तो हमारा बिग फैन है सर। अरे शरमाइए मत, इधर देखिए इधर देखिए। डाला था हाँ तभी वो पड़ जाएगा। अरे ये देखिए ये तीनों लोग ऐसे एंट्री ले रहे हैं जैसे कोई एंट्री ही नहीं लेता है। अरे मेरा भाई है ना उसके पास। चलिए खोलिए मेरे लिए गेट खोलिए। ज्यादा भी नहीं, वो तो पूरा वीडियो सेम डालता है। ये रही हमारी कोचिंग। यहाँ पे ये कौन बैठा है? अरे प्रवीण। हेलो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना चाहिए आपको? हमें भी अच्छा लग रहा है। हाथ मिला लीजिए तो। और आप भाई? आप तो मेरे तरह हैं पतले से, पतले दुबले। और आप भाई? आप भी मिला लीजिए। मैं बोल दिया था बंद कर दो। मैं कहाँ बैठूँगा? वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या देख रहे हैं आप? अरे मार्जिन। ओह भाई यार फोन देख रहे हैं, फोन खरीदना चाहते हैं आप? चलिए छत पे आपको दिखाते हैं। अरे छपरी फैन हमारे मिल गए थे रास्ते में। ये देखिए ये सीढ़ी ऐसे इसमें से चढ़ने और उतरने में आप तो गिर गए होते अब तक। अरे एक और फैन। हाय करिए हाय करिए अच्छे से। आ गए हम लोग फाइनली
ओरे भाई साहब आज फिर इसमें लॉक बंद है, हमेशा इसमें लॉक बंद रहता है। ये देखिए ऊपर से हम लोग का व्यू, जिसको अभी आप देखे हैं ना वो फैन है, वो डिलीवरी बॉय। हाँ हम लोग डिलीवरी मतलब हम लोग का सामान डिलीवर करते हैं। ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये रहा हमारा माइस्मती साम्राज्य। ये बच्ची इधर दिखाइए, बच्चे को जूम करिए, दिखा दिया। अरे दिखाइए भाई एक बार और, एक ये बार बच्चे आयुष के हैं। किसके हैं? आयुष के। अच्छा आयुष यादव के ना? नहीं तुम्हारे, मेरे कहाँ से हो गए भाई। ये बच्चे अर्जुन देव जी के हैं। आप नीचे मत उतरिए इतना जल्दी, चलिए नहीं तो सर आ जाएंगे, कहेंगे आज फिर ये सब वीडियो बना रहे हैं। कुछ कहेंगे तो नहीं, कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन बाद में कहेंगे कि आप लोग वीडियो बनाते हैं और मेरी वीडियो पोस्ट करते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए गाय हमारी, हमारी गाय। हाँ तो अभी दौड़ाएगी ना तो फिर निकल जाएगा हमारी गाय। क्यों नहीं मारती है? मेरे घर के बगल ऐसी गाय है ना जो मुझको दौड़ा लेती है। ये देखिए तीन कुत्ते, एक कार। नहीं चार, एक ये रहा हमारे सामने, चार कुत्ते। एक तो पांच कुत्ते जो वो फोन पकड़ा है, देख लीजिए मुझको भी देख लीजिए। हेलो अबे ए सर आज आप रोड ही देख लीजिए। आइए आज आपको यहाँ का रोड दिखाया है अपने। ये देखिए यहाँ पे गाइस कोई और कोचिंग चल रही है। अबे ट्रैक्टर, ये देखिए ये ट्रैक्टर पुराना हो गया है लेकिन अभी जान है, जान है इसमें। ये देखिए मैटर हो रहा है, लड़ाई का माहौल बनते हुए यहाँ पे, माहौल बहुत गर्म है। ये देखिए यहाँ पे लग रहा है कोई और कोचिंग चलती है। ये देखिए अगर यहाँ से आप दो साइकिल भी चुरा लेंगे तो आपको 2000 मिल जाएगा आराम से। हाँ लॉक भी नहीं लगा है किसी साइकिल में, शायद ये भाई की चुरा लेते हैं, बहुत पैसा मिलेगा। मैं इस कोचिंग में पहले पढ़ चुका हूँ। ये देख लीजिए अंदर चल रही है, बाहर नहीं है। अरे वो हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी सेंटर के बगल वाला रूम खाली है ना, उसमें पढ़ाते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ ना। क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। अरे मुश्किलों का सर आ रहे हैं। नहीं इतना हैंडसम नहीं है अपना सर। हैं थोड़े से। नहीं ये भी हैंडसम है। चलिए आज। ओ भाई यहाँ पे तीन कुत्ते और, मतलब अब लड़ाई हो सकती है। माहौल गर्म लग रहा है, अब लग रहा है यहाँ पे गैंग बैंग, यहाँ पे लग रहा है गैंग बैंग होगा अब। चलिए वापस चलते हैं, गैंग बैंग दिखाते हैं। चलिए दिक्कत हो गई ना। हाँ प्रॉब्लम हो गई भाई, तो लोग सोचेंगे हम लोग किसी और को देखने गए थे। सो चीप। अभी एक स्कूटी आएगी जिसपे आप लोग मॉडिफिकेशन करा के आप लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर, दो लोग पीछे, दो लोग साइड में, आप लोग पांच मेंबर बैठ सकते हैं एक स्कूटी पे, बहुत ही आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो गैंग बैंग होने वाला था ना। अरे कहाँ हैं सब तीन तो अभी। ओह अरे तीन है, छः होने चाहिए ना। हाँ तो एक गाय भाग गया होगा। अरे वो रहे हैं गैंग बैंग का माहौल देख के सारे के सारे लोग गायब हो गए। वो देखिए हमारे फैंस वहाँ हमारे इंतजार कर रहे हैं। तीन यहाँ तीन वहाँ, अब शायद हो सकता है कुछ बवाल। हाँ यहाँ देखिए ये हमारे फैंस मीटअप के लिए मैटर शांत करने आई है क्या ये। अरे कह रही बच्चों अपने घर जाओ, कह रही बच्चों जाओ घर, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं हमें ना लात मार दे, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा हमें ही करना पड़ेगा। मारती हैं भाई, सब गाय नहीं मारती हैं, कुछ कुछ गाय होती हैं जो एक सींग में उठा के आपको लेटा देंगी, धूल चढ़ा देंगी एक बार में। ये आप क्या देख रहे हैं? ओ भाई आप तो थार जीतेंगे लग रहा है, आज तो आप थार जीत ही जाएंगे। थार जीतेंगे। मैं क्रिकेट देख रहे हैं क्या? उनके चैनल पे कॉपीराइट पड़ गया है, उसकी वीडियो देख रहे हैं। अरे कॉपीराइट अब हटेगा कैसे आपके चैनल से? जब आप यहाँ से आते हैं। आनंद भाई उनका पैंट फट गया था एक बार, पूछिए उनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा। इधर आइए आनंद जी, बोलिए आप जी, आप इधर आइए। अरे आप इधर आइए, आपका एक बार पैंट फट गया था ना बजरंग दल भैया की साइकिल पे बैठने की वजह से, बजाज खाया चूसा पे।
आपको कैसा लग रहा था? ये देखिए, ये आप कह रहे हैं कि फिर काट दीजिएगा हमारी वाली, लेकिन कटेगी नहीं। और ये डायरेक्ट स्टोरी कार में है, छोटी छोटी स्टोरी छिटा छिटा के डालते हैं बस। इधर आइए, अपने अपनी स्टोरी बैक टू माय चैनल। आपका मैंने, आपका चैनल जिसको मैंने बहुत ही शिद्दत से चलाया है, आयुष भाई ने। ये आपका चैनल पे बोलिए, आप माइक में बोलिए। ले लीजिए माइक, लीजिए नया माइक का खरीद दो। अरे खरीद लेते हैं इनकम से, यूट्यूब के इनकम। कितना पैसा आ रहा है तुम्हारे पास? एक रुपया नहीं गाइस, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है, पॉकेट खाली। तो इसी के साथ यहां मैच देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच में, कौन जीत सकता है? इंडिया ही जीतेगी। कैसे? बस बजरंग दल ने टोटका किया है। टोटका? अच्छा हाँ, तांत्रिक बाबा ने। अच्छा गाइस ये कह रहे हैं टोटका कर दिया। चार खोपड़ी लाए थे। कितनी खोपड़ी? चार खोपड़ी लाए थे। आपको कुछ कहना है? आप इनके बापू का बर्थडे है आज, ये परसों है भाई, 15 तुमको भी भेजा था भाई। हाँ हाँ, सर आ गए। सर और यहाँ पे सर आ गए हमारे गाइस। तो सर आ गए, हम लोग कोचिंग पढ़ेंगे। कोचिंग पढ़ने के बाद आप लोग से मिलते हैं। कोचिंग पढ़ने के बाद आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू। तो गाइस आज कोचिंग ख़त्म हो गई है और आज हमारे साथ बजरंगल भैया भी हैं। चेहरा दिखाइए अपना, इधर आइए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अर्जुन देव, आयुष और बजरंगल भैया जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय रोम रोम भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम।